अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये 20,000 रुपये की जो प्लेट है 575 वाट की, ये कहाँ से मिल जाएगी हमें? सर 545 वाट और 575 वाट 20,000 रुपये में मिल रहा है, फेसबुक पे मिल रहा है। अच्छा, फेसबुक पे मिल रहा है। बिल्कुल, फेसबुक पे एक लोग नहीं है, पूरा एक ग्रो है और काफ़ी लोग हैं जो 545 वाट का पैनल 545 वाट का पैनल 20,000 रुपये में बेच रहे हैं। सही है। और 180 वाट का पैनल 6,000 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा, तो ये रफली बनता है 40 रुपये पर वाट, 42 रुपये पर वाट के हिसाब से वो दे रहे हैं। तो ये फेसबुक की पोस्ट है। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया है कि देखें मैंने इनको फॉलो अप किया है और मैंने इनसे पूछा कि कितने में दे रहे हो। तो तरीका वारदात ये है कि जी आप एडवांस बुकिंग करवा लें, आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें, 20% डिपॉजिट भेज दें मुझे ऑनलाइन, और जो बकाया पेमेंट है वो फिर मैं आपको डिलीवरी पर करवा देता हूँ। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको कहीं बुलाया नहीं जाएगा, आपको फिज़िकल पैनल देखने को नहीं मिलेंगे, आप किसी ऑफिस नहीं जा सकते, आप उस बंदे से मिल नहीं सकते, उस बंदे कि कोई लोकेशन नहीं है। आप बोलेंगे, वो बोलेगा मैं कोयटा में बैठा हूँ, आप बोलेंगे मैं कोयटा आ जाता हूँ, बोलेगा कोयटा में आप ना आओ, मैं आपको माल भिजवाऊंगा, मैं डिलीवरी करवाऊंगा आपको, डिलीवरी के अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं है मेरे पास। तो आप बोलेंगे अच्छा चलो ठीक है, तो बोलेगा आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मैं आपको डिलीवरी करवा देता हूँ। तो पेमेंट ले लेगा और पेमेंट लेने के बाद फ़ोन उसका बंद हो जाएगा। तो ये तीन चार पाँच लोगों ने फ़ोन करके बताया कि हमने जब इस पर फॉलो अप किया तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हमने सोचा आपको भी बता देंगे, ये 545 वाट का 20,000 रुपये वाला पैनल, अगर आपने भी लेना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं उस बंदे से, आप जब उसे पेमेंट कर देंगे तो वो फोन उठाना छोड़ देगा। तो बस ये यहीं तक ही महदूद है कि आपकी तमन्ना होती है कि आपको 545 वाट का पैनल चाहिए, बिल्कुल, और उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं और वहाँ पर ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाती है, ना पैसे पेमेंट पूरी होती है और ना पैनल आपको मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो अच्छा पैनल है और पेमेंट रिटर्न भी नहीं होती, पेमेंट भी रिटर्न नहीं और पैनल भी मिलता नहीं है। तो इस तरह का फ्रॉड भी हो रहा है मार्केट, बिल्कुल मार्केट में हो रहा है। और क्योंकि ग्रुप्स पे आजादी है ना, किसी ने जो मर्जी लिखना लिख ले तो ये तो अच्छी बात है, बट अगेन कस्टमर को होशियार करने की बात है कि भाई जो चीज़ मार्केट में ट्रेड हो रही है 90 रुपीज़ पे, 80 रुपीज़ पे, फर्ज करें 70 रुपीज़ पे, अब वो आपको कोई दे रहा है 40 रुपये में और वो बोले कि मैं जेन्युइन दे रहा हूँ, Tier 1 दे रहा हूँ, ए ग्रेड दे रहा हूँ, ब्रांड न्यू दे रहा हूँ, विद डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये इसीलिए तो हम बताते हैं कि इम्पोर्टर की भी कॉस्ट क्या है, चाइना से लैंडिंग कॉस्ट कराची में क्या पड़ रही है, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि इतने तक में ये जायज मुनाफा रख रहा है। बिल्कुल ऐसी, अगर आप एक नाजायज वैल्यू अपने जहन में रख के निकल पड़ेंगे मार्केट में लेने के लिए धोखा खाएंगे, तो फिर आप धोखा खाएंगे, हो सकता है आपको वाकई मिल जाए, फिर वो प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं होगी। बिल्कुल, एक की कॉस्ट ही अगर 78-80 रुपीज़ आ रही है इस टाइम पे कराची में, ऐसे कम आ रही है, ऐसे ज्यादा आ रही है, तो आपको कैसे 60-50 रुपए में मिलेगा, फिर उसमें कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल ऐसी, या तो वो स्मगल होके आया हुआ है, या उसमें वो खराबी है, या टूटा हुआ है, जो भी या है, वो चीज नहीं है जो दिखाई जा रही है, जो वो कह रहा है। क्योंकि कितने लोगों ने यूट्यूब के कमेंट्स से आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने 615 वाट का सोलर पैनल खरीदा है किसी बंदे से, और जब मैंने उसे लगाया है अपने सिस्टम में तो मुझे 390 वाट से ज्यादा नहीं दे रहा। स्पेशली एक साहब ने मेंशन किया था, इस तरह के और लोगों ने भी मेंशन किया है, हो गई 450 वाट का पैनल। बिल्कुल, अब अगर वो 615 वाट का पैनल ही नहीं है और आप उसकी टोटल कॉस्ट को 615 से डिवाइड कर देंगे तो पर वाट तो निकल आएगा 40-50 रुपए, बट एक्चुअली तो वो 615 वाट ही नहीं है, वो है ही 450 वाट, तो फिर उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको निकालेंगे तो वो 100 से भी ऊपर निकल जाएगी आपकी। तो नुकसान कस्टमर का ही हुआ कि वो किसी के झांसे में आ गया, उसने बातों को क्लियरली नहीं समझा और अपने आप को नहीं उसने प्रिपेयर किया जो मार्केट में हो रहा है। मार्केट में जब आपने निकलना है, आपने समझना मैं जिहाद करने निकल रहा हूँ, मैं तो बच बचा के अगर सही पैनल लेके घर पहुंच गया ना तो बड़ी कामयाबी है, बड़ी बात। जेन्युइन सामान मिल जाए, Tier 1 का हो, विद डॉक्यूमेंट्स हो, वेरीफाइबल हो और ब्रांड न्यू हो, और वो लेके अगर आप घर पहुंच गए वापस सही सलामत बगैर डस खाए हुए, तो एक बहुत बड़ी बात है, आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की आज के सिनेरियो में, आज की मार्केट्स के जो हालात हैं उसमें तो आपने बड़ा काम किया, और ये वैसे बड़ी अचीवमेंट ही है। ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन हफ्ता लग जाएगा जेन्युइन पैनल ढूंढने में, पर फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर जान छुट्टी रहेगी। बिल्कुल ऐसी है, अनलेस कि आप इन 4-5 दिन 7 दिन जब आपने ढूंढना है और वेरिफिकेशन करनी है, आप ढीले पड़ जाएं और अगले 5-8-10 साल आप सदमे में ही रह जाएं कि मैंने 10 लाख लगाए थे 5 किलोवाट पे, या मैंने 5 लाख लगाए थे 5 किलोवाट पे और मेरे साथ ये धोखा हो गया। तो आपके पास यही हाल है कि आप शुरू में ही वो हो जाएं, स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हमने पूरी वीडियो बनाई है सोलर पैनल्स के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसका भी लिंक इस वीडियो में डाल देते हैं, उसको भी देखें, स्पेशली देखें, यहाँ राइट टॉप पे डाल देते हैं, उसको स्पेशली देखें, थोड़ी लंबी वीडियो है बट लाजमी देखें, उसमें हर एक एक पॉइंट को क्लियर स्टेप बाय स्टेप हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको किस डॉक्यूमेंट से क्या फ़ायदा हो रहा है और किस डॉक्यूमेंट में आपने कौन सा सीरियल नंबर देखना है।
अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आप अपने आप को 70% प्रिपेयर कर चुके होंगे कि आपने धोखे से कैसे बचना है। कोई मुश्किल नहीं है वीडियो, अगर मुश्किल हो समझने में आप लोग दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे। जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह इस प्रोसीजर को फॉलो करना है और किस तरह डॉक्यूमेंट्स को देखना है, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम बार बार आपको बताते रहेंगे, जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी हम आपको हेल्प करते रहेंगे। पर तरीकेकार यही होना चाहिए, जब मार्केट में निकले पहले डॉक्यूमेंट्स लें उनसे, उसको चेक करें, वेरीफाई करें पैनल्स के साथ, सीरियल नंबर मैच हो रहे हैं, ऑनलाइन चेक करें जाके, जो आपको रिपोर्ट्स भेजी हैं उनको ईमेल करें कंपनीज को, उसको वेरीफाई करवाएं कि वो फेक तो नहीं है, तसल्ली हो गई, आप प्राइस चेक करें और ले लें आराम से, उसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई स्टेप आपको लगे कि आपने मिस किया है तो आप मेंशन कर सकते हैं, उसको हम दोबारा कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।